आज हम लोग क्लास 10 की साइंस की पढ़ाई करने जा रहे हैं और जो साइंस का आपका पहला चैप्टर है, ठीक है, साइंस के रूप में जो आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसी की पार्ट नंबर 9 हम लोग 9वें पार्ट की पढ़ाई करने जा रहे हैं आज। और आज के पार्ट में क्या पढ़ेंगे, तो आज के पार्ट में हमारा मेन टॉपिक है ज्वाला। क्या है ज्वाला? इसके बाद पढ़ेंगे एलपीजी गैस, ठीक है, ज्वाला जानेंगे, इसके बाद क्या जानेंगे एलपीजी गैस, इसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है वो एक दो क्वेश्चन आप देख लेंगे, ठीक है। तो पता चल गया आज वीडियो में क्या जानने जा रहे हैं, ज्वाला जानेंगे, ज्वाला के बाद क्या देखेंगे एलपीजी गैस जिसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना, और उसके बाद भी दो तीन क्वेश्चन है उसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, हर एक पार्ट आप क्या करते हो स्क्रीन शॉट लेते हो, तो फिर से हम बोलेंगे किसका क्या कर लो, आप स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है। अगर आप प्रत्येक पार्ट का स्क्रीन शॉट लेते हो और उसको कॉपी में अपना लिख लेते हो तो इससे होगा क्या ना कि आपका नोट्स बनकर तैयार हो गया होगा। अगर आप अभी तक जैसे पार्ट नंबर 9 है तो पार्ट नंबर अगर 8 तक का हर एक पार्ट का आप क्या किए होंगे स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे, ठीक है, और उसको कॉपी में लिख लिए होंगे तो आपका अच्छा खासा नोट्स बनकर आपको तैयार हो चुका होगा, ठीक है। और उसी तरह से इसको भी आपको क्या करना है स्क्रीन शॉट ले लेना है और लिख लेना है। तो मेरे आप इसका स्क्रीन शॉट ले चुके होंगे, ले लिया है। जब आप इसका स्क्रीन शॉट ले लिए हैं तो चलिए अब इसको हम समझ लेते हैं। इसको समझने के बाद आपको करना क्या ना कि आप जो भी बुक यूज करते हो, आप जिस पब्लिकेशन का बुक यूज करते हो चाहे वो भारतीय भवन हो या एनसीईआरटी बुक हो या फिर आलोक प्रकाशन को हो या और भी कोई भी बुक हो, आप जो भी बुक यूज करते हो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हमको पूरा विश्वास है कि अगर आप 9 पार्ट को देखोगे, 9 पार्ट को सही से आप देखोगे तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, यह हमको पूरा विश्वास है, ठीक है। तो इसलिए बोले कि 9 पार्ट को आपको देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिये आज का पहला जो टॉपिक है वो क्या है, ज्वाला। ज्वाला होता क्या है? तो देखिये कुछ पदार्थ जलता है, देखिए जलता तो लौ निकलता है, लौ जैसा निकलता है ना, जो लौ निकलता है ना वही ज्वाला होता है। तो सभी पदार्थ जलने पर क्या होता है ना लौ नहीं निकलता है। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं कोयला, कोयला के एग्जाम्पल लेते हैं, कोयला को आप जब जलाते हो तो थोड़ा देर तक लौ उसमें निकलता है और थोड़ा देर बाद क्या होता है लौ खत्म हो जाता है, फिर भी वो जलते रहता है, जलते रहता है कि जलते रहता है, है ना। तो कोयला में ज्वाला उत्पन्न नहीं होता, थोड़ा देर उत्पन्न होता है फिर ज्वाला उत्पन्न नहीं होता है। तो ज्वाला होता क्या है, तो समझ लो तो आपको आ गया होगा कि ज्वाला किस चीज की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका डिफिनेशन भी देख लेते हैं। डिफिनेशन क्या है कि ज्वाला वह क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ जलता है, मतलब ज्वाला वह क्षेत्र है जहां पर गैसीय पदार्थ जलता है। कोई भी गैसीय पदार्थ जब जलता है तो वहां पर क्या उत्पन्न होता है ज्वाला उत्पन्न होता है, ठीक है। तो सर इसका मतलब है कि गैसीय पदार्थ के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होगा? तो नहीं, गैसीय पदार्थ के जलने पर तो ज्वाला उत्पन्न होगा ही, लेकिन कोई पदार्थ जो ठोस है या कोई ऐसा पदार्थ है जो लिक्विड है उसको जलने में भी ज्वाला उत्पन्न होगा। कब? तब जब वो पदार्थ हम गर्म करते हैं और वो भाप में बदल जाता है, तब। नहीं आ समझ ना, ठीक से देखिए ज्वाला होता क्या, तो कोई भी गैसीय पदार्थ जलता है तो ज्वाला उत्पन्न होता है, कोई भी गैसीय पदार्थ जलता है तो ज्वाला उत्पन्न होता है, ठीक ना। जितना भी गैसीय पदार्थ जलेगा तो ज्वाला उत्पन्न करेगा, लेकिन कुछ ठोस और कुछ द्रव ईंधन भी है जो जलने पर क्या करते हैं ज्वाला उत्पन्न करते हैं। कुछ ठोस ईंधन भी है, कुछ द्रव ईंधन भी है जो जलने पर क्या करते हैं ज्वाला उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मोम, मोम आप देखते हो ना मोमबत्ती में जो मोम होता है वो, तो जो मोमबत्ती में मोम होता है वो क्या है ठोस है कि नहीं ठोस, तो वो भी जलने पर क्या करता है ज्वाला उत्पन्न करता है। आप एग्जाम्पल ले सकते हो किरोसिन, किरोसिन जो होता है किरासन तेल जिसको होते हैं किरोसिन, वो भी जलने पर क्या करता है ज्वाला उत्पन्न करता है। तो सर ये तो गैस नहीं है, मोम तो गैस नहीं है, किरोसिन भी गैस नहीं है, तो है क्या है, ये तो ठोस और लिक्विड है, फिर भी ज्वाला उत्पन्न क्यों किया? तो क्योंकि इसको जब हम गर्म करते हैं, इसको जब भी आप गर्म कीजिएगा तो ये किसमें बदल जाता है भाप में। कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी ठोस ईंधन या कोई भी द्रव ईंधन, कोई भी ठोस ईंधन या कोई भी द्रव ईंधन जो जल क्या होता है गर्म करने पर भाप में बदल जाता है वो क्या करेगा ज्वाला उत्पन्न करेगा। आया समझना? तो क्या सभी ठोस ईंधन या द्रव ईंधन ज्वाला उत्पन्न करेगा? तो नहीं, सब ठोस ईंधन सब द्रव ईंधन ज्वाला उत्पन्न नहीं करेगा। जो भी ठोस ईंधन या द्रव ईंधन गर्म करने पर बाष्प में बदल जाता है भाप में बदल जाता है वही ज्वाला उत्पन्न करेगा, और बाकी जितने भी गैसीय ईंधन है सब ज्वाला उत्पन्न करेगा। आया? अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? कोई दिक्कत? मोम को भी आप गर्म करते हो तो देखिएगा वो भाप में बदल जाता है, तो इसे वो ज्वाला उत्पन्न करता है, कोई दिक्कत? अब आगे पे पॉइंट है कि जब ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होता है, पर्याप्त आपूर्ति मतलब पर्याप्त मात्रा में जब ऑक्सीजन होता है
तो उसमें जो दहन होता है उसमें ज्वालाकरण कैसा होता है, नीला ही आ जाएगा। ऑक्सीजन जब पर्याप्त मात्रा में है तो ज्वाला कैसा होगा, नीला। ज्वालाकरण कैसा होगा, नीला। और प्रकाश बहुत कम निकलेगा, जब नीला जलते रहेगा तो प्रकाश क्या होगा, बहुत कम निकलेगा। आया नहीं आया, सिंपल से एग्जाम्पल लीजिए ना जी। सिंपल से एग्जाम्पल का, जब आप गैस पर खाना बनाते हो तो उसमें जो लौ निकलता है, ज्वाला निकलता है, किस कलर का जलता रहता है, नीला रहता है, नहीं तो उसमें प्रकाश ज्यादा निकलता है। उसमें देखिए गैस में जब खाना पकाते हैं तो उसमें देखिए प्रकाश उसमें ज्यादा नहीं निकलता है, निकलता है नहीं। हाँ हीट बहुत ज्यादा होता है, हीट ज्यादा होता है लेकिन प्रकाश ज्यादा निकलता नहीं, निकलता। अब वही आप देखिए कोई दूसरा चीज जलाते हो जहां पर क्या होता है ना, ये प्रकाश ज्यादा निकलता है, ठीक है, तो वहां पर देखिएगा उतना हीट नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगला क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन का जब अपर्याप्त आपूर्ति रहेगा, अपर्याप्त आपूर्ति, ऑक्सीजन का जब अपर्याप्त आपूर्ति होगा तो वहां पर ज्वालाकरण कैसा हो जाएगा, पीला। ज्वालाकरण कैसा हो जाएगा, पीला, ठीक है ना। ज्वालाकरण पीला हो जाएगा, उसमें प्रकाश ज्यादा निकलेगा, प्रकाश क्या होगा, ज्यादा निकलेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत। तो ऑक्सीजन की जब अपर्याप्त आपूर्ति रहेगा, पर्याप्त मतलब पूरा पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, सही से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो उसमें ज्वालाकरण कैसा होगा, पीला। ज्वालाकरण कैसा होगा, पीला। और जिसमें ऑक्सीजन पूरी तरह से मिल रहा है, पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, उसमें ज्वालाकरण कैसा होगा, तो नीला। कैसा होगा, नीला। यहाँ पे क्लियर है, तो यही था आपका ज्वाला, उम्मीद है ज्वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं LPG, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसके बारे में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पर उसका आंसर है क्या, तो जो पेट्रोलियम गैस होता है वो ब्यूटेन का घूमना ये होता है, प्रोपेन और एथेन इसका मिश्रण होता है, ये जान लीजिएगा। पूछा कि बताइए पेट्रोलियम किसका मिश्रण, पेट्रोलियम गैस होता है वो किसका मिश्रण होता है, पेट्रोलियम गैस होता है किसका मिश्रण होता है, तो ब्यूटेन प्रोपेन एथेन। और इसमें सबसे ज्यादा कौन होता है, इसमें सबसे ज्यादा कौन होता है, ब्यूटेन। मतलब ये तीन गैस का मिश्रण है लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में कौन होता है, ब्यूटेन। मतलब इसका मुख्य अवयव कौन है, पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव कौन है जी, तो ब्यूटेन है। याद हो गया, ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव कौन है, तो पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव कौन है, ब्यूटेन। याद हो गया। अच्छा ये किसका किसका मिश्रण है, तो ब्यूटेन प्रोपेन और एथेन का मिश्रण है। आया, ये बहुत ही अच्छा ईंधन है, क्यों, क्योंकि इसको आप 1 ग्राम लगभग जलाओगे ना, 1 ग्राम लगभग इसे जलाओगे तो 50 से 55 किलो जूल एनर्जी निकलता है, 50 से 55 किलो जूल इससे हीट निकलता है 1 ग्राम जलाने पर। तो इससे पता चल रहा ना कि बहुत ही अच्छा ईंधन है, तब ना। अब घर में जाकर क्या यूज होता है, LPG गैस होता है कि नहीं होता यूज खाना पकाने में। और इसको हम लोग प्राप्त कहां से करते हैं जी, इसको प्राप्त करते हैं प्राकृतिक गैस से। कहां से प्राप्त करते हैं, प्राकृतिक गैस या फिर पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से, ठीक ना। प्रभाजी आसवन एक प्रोसेस है, प्रभाजी आसवन एक प्रोसेस है, आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे, 9th क्लास में 7-8 में पढ़े होंगे प्रभाजी आसवन। तो प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का जब हम प्रभाजी आसवन करते हैं तब हमको क्या मिलता है, LPG गैस। यार हो गया, तो कोई पूछ रहा बताइए LPG गैस कैसे प्राप्त किया जाता है, क्या बोलेगा, तो प्राकृतिक गैस या फिर पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन करके ये पेट्रोलियम द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस मतलब LPG प्राप्त किया जाता है, कोई दिक्कत। ऐसा यूज कहां करते हैं, तो खाना बनाने में यूज करते हैं, ज्यादातर तो यूज खाना बनाने में करते हैं ना। चलिए आगे करा कि आप एक चीज नोटिस की हो, कभी कभी जैसे आपके घर में खाना बनता होगा या किसी घर में खाना बनता होगा गैस पे, है ना, LPG गैस पे, तो देखिएगा थोड़ा सा महकता है नहीं, या कभी हल्का सा लीकेज होता है तो बहुत खराब महकता है, नहीं महकता खराब, तो क्यों खराब महकता है, तो खराब महकने का कारण यह है एथिल मरकैप्टन। क्या है, एथिल मरकैप्टन, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5SH, फॉर्मूला क्या होता है C2H5SH। ये जो एथिल मरकैप्टन होता है उसको गैस के सिलेंडर में मिला दिया जाता है, एथिल मरकैप्टन जो यौगिक है ना जिसका फॉर्मूला है C2H5SH, उसको गैस के सिलेंडर में क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है, ताकि कभी भी गैस का जब रिसाव हो, कभी भी गैस का लीकेज हो, तो आदमी को तुरंत पता चल जाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, गैस का लीकेज हो रहा है, तो आदमी सतर्क हो जाएगा ना। आया समझे ना, क्योंकि सब जानते हैं कि गैस क्या बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ है, थोड़ा समय क्या करता है, आग पकड़ लेता है, दुर्घटना घट सकता है, पता है ना आपको, अगर थोड़ा सा लापरवाही करते हैं गैस में तो आग पकड़ सकता है, दुर्घटना घट सकता है, ये छोटा मोटा दुर्घटना नहीं, बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है आपका, ठीक ना। तो इसीलिए उसमें
क्या किया था, तो बहुत खराब गर्ल वाला एक यौगिक है जिसका नाम है एथिल मरकैप्टन। बहुत खराब गर्ल होता है इसका, बहुत ही खराब गर्ल होता है एथिल मरकैप्टन। इसको उसमें क्या किया था, मिक्स कर दिया जाता है। क्यों? ताकि जैसे ही लीकेज होगा तो तुरंत हम लोग को मापना शुरू हो जाएगा, तो हम तुरंत क्या हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे और क्या करेंगे, एक बड़ा दुर्घटना को रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। तो ये पूछा जाएगा तो बताइए गैस के सिलेंडर में कौन सा यौगिक मिलाया जाता है, तो कौन सा यौगिक मिलाया जाता है जी, एथिल मरकैप्टन। बोलेगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो C2H5SH। ठीक है, क्यों मिलाया जाता है, तो इसलिए मिलाया जाता है ताकि गैस का अगर रिसाव हो तो हमें तुरंत पता चल जाए और एक बड़े दुर्घटना को होने से हम रोक सके। ठीक है, तो ये समझ में आया एलपीजी पेट्रोलियम गैस किसका किसका मिश्रण है, तो प्रोपेन एट्रेन ब्यूटेन का। इसमें मुख्य रूप से कौन पाया जाता है, ब्यूटेन। मेन अवयव कौन है, ब्यूटेन। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत हम देखे तो मॉडल सेट में देखने को मिला है, अगर आप कोई मॉडल सेट यूज करते हो तो देखिएगा मॉडल सेट में ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, या एलसीएट बुक होगा तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल नहीं जाएगा। क्या कि किसी पदार्थ एक्स के वैलेंस का उपयोग से वेरी करने के लिए होता है, कोई पदार्थ नाम नहीं पता एक्स लिख दिया गया ऐसे नहीं, कि कोई पदार्थ जिसका उपयोग करते हैं वेरी करने में। ठीक है, तो उस पदार्थ का नाम लिखना है, सूत्र लिखना है और जल के साथ अभिक्रिया लिखना है। तो हम आपको पिछले पार्ट में बता चुके हैं, पिछले पार्ट में आपको बताए थे, पिछले पार्ट में बताया नहीं बताए थे कि जो बुझा हुआ चूना होता है, जो बुझा हुआ चूना होता है जिसका फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला उसका होता है CaOH का होल टू, ये होता है बुझा हुआ चूना। हम आपको पिछले पार्ट में बताया था ना, तो बुझा हुआ चूना के बिलियन का उपयोग करते हैं, बुझा हुआ चूना के बिलियन का उपयोग लिए सॉल्यूशन का उपयोग बिलियन का उपयोग करते हैं सफेदी करने में। ठीक ना, लेकिन यहाँ पर हमको कौन सा पदार्थ, तो कौन सा पदार्थ होगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड। कौन सा पदार्थ, जिसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसी का वो यूज करते हैं सफेदी करने में। जब इसको हम पानी के साथ मिलाते हैं, पानी के साथ जैसे इसको मिलाएंगे, देखिए पानी के साथ जैसे मिलाए तो क्या बन गया, COH का हॉल्ट, ये बन गया ना। अब ये बन गया कौन, बुझा हुआ चूना, ये था बिना बुझा हुआ चूना, अब बन गया कौन, बुझा हुआ चूना। अब इसी सब क्या करते हैं, अपने दीवार को पुताई कर देते हैं, तो ये तो होता क्या ना कि आगे और क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। आपको पीछे पहले बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो बनाता है CaCO3 और प्लस क्या बनाता है, H2। ये बताया था कि नहीं बताया था, तो यही जो CaCO3 है इसी के कारण दीवार पर क्या आ जाता है, चमक आ जाता है। नहीं बताया था हम आपको पिछले पर डिटेल से बताए थे कि हम लोग जब दीवार को पुताई करते हैं तो उसमें हम लोग यूज करते हैं कि इसका बुझा हुआ चूना है ना, इसका बिलियन भी यूज करते हैं। अब जब इसका बिलियन भी यूज कर ले पुताई करने में, तो जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्शन करता है, धीरे 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 रिएक्शन होता है और फिर बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट कहां पर, दीवार पर है ना, तो दीवार बिल्कुल संगमरमर जैसा मार्बल जैसा चमकना शुरू हो जाता है। आया समझना, तो ये बना कहां से, ये बना को यहां से कहां से, कैल्शियम ऑक्साइड को जो हम किससे रिएक्शन करवाए, पानी से, कैल्शियम ऑक्साइड को जो हम पानी से रिएक्शन करवाए तब बना, ये देखिए है ना। तो यहाँ पर जो पदार्थ हम यूज कर रहे हैं पुताई करने में वो कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, और आगे कह रहा है कि सब पानी के साथ जल के साथ रिएक्शन किए, तो जल के साथ अगर रिएक्शन इतना देखना नहीं है, कहते ही नहीं जल के साथ रिएक्शन, नहीं जल के साथ कितना रिएक्शन होता है। ठीक है, फिर आगे ये रिएक्शन होता है, मतलब आप ध्यान से देखोगे कि घर में जब भी आपका पुताई होगा तो आप खरीद के लाते हो क्या, ये खरीद के क्या लाते हो, ये, और पानी के साथ मिला दिया तो बन गया क्या, ये। अब इसे आप पुताई कर दिए तो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड उसे रिएक्शन करके बना दिया क्या दीवार पर, ये दीवार पर क्या बना दिया, ये वाला है ना, इसी से दीवार में क्या आ जाता है, चमक आ जाता है। तो इसे ऐसे समझा गया, तो ऐसे जब भी कोई सवाल कि कौन सा पदार्थ यूज करते हैं, तो बिना बोझा हुआ चूना जिसका फॉर्मूला है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ऐसे जल के साथ रिएक्शन, ये रिएक्शन क्रिएट करना है, ऐसे ना। आगे भी इसमें पूछा जाए कि बताइए तो दीवार पर चमक कैसा आता है, तो आगे वही बात लिखना जो हम अभी आपको बता रहे हैं, क्या लिखना, ये वायुमंडल से, वायुमंडल के जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उससे अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसी से उस पर क्या आ जाता है, चमक आ जाता है बिल्कुल मार्बल की तरह। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि एक भूरा रंग का चमकदार तत्व है, कोई भी एक तत्व है भूरा रंग का जिसको आप हवा में गर्म करते हो, मतलब वायु की उपस्थिति में गर्म करते हो तो काला हो जाता है, बताइए वो कौन है। तो ऐसा एक ही पदार्थ है, एक ही तत्व, वो कौन है, कॉपर। कौन है जी, कॉपर, याद हो गया, कॉपर को लिखते हैं क्या, CU, क्या लिखते हैं,
सीयू, पता है ना कॉपर को हिंदी में बोलते हैं तांबा, क्या बोलते हैं तांबा, आया सर ना, कॉपर को तांबा बोलते हैं, सीयू बोलते हैं। तो वो तत्व क्या है, कॉपर है, जिसको हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं ना तो वो काला हो जाता है। अब काला क्यों होता है, तो कॉपर ऑक्साइड बनने के कारण, कॉपर ऑक्साइड बनता है जब हवा में इसको गर्म करते हैं, उसमें दिया मतलब गर्म किया तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड है ना, यही बनने के कारण वो कैसा जाता है काला। आया कि नहीं आया, कोई ये बता दीजिएगा, कोई पूछे बताए, भूरा चमकदार तत्व है जिसको हवा में गर्म करते हैं ना तो काला हो जाता है, कौन है भाई वो, तो बोलिएगा कि वो है कॉपर तांबा सीयू, ठीक है। हवा में जब गर्म करना है तो बनता है कॉपर ऑक्साइड, इसी के कारण क्या होता है उसका रंग काला हो जाता है, ठीक है। चलिए एक पॉइंट मिल रहा है कि जब भी आप जल का विद्युत अपघटन करते हो तो जल का पूर्णांक आपको पता है कि H2 होता है, पता है ना जल का पूर्णांक क्या होता है H2O। तो जब भी आप जल का विद्युत अपघटन करते हो तो क्या होता है ना कि जल दो भाग में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, मतलब एक इलेक्ट्रोड पर जाके हाइड्रोजन जमा हो जाता है, दूसरे पर ऑक्सीजन। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है कि एक जो गैस है ना दूसरे का दुगना होता है, कौन वो गैस है भाई। जब भी आप जल का अपघटन करते हो, बैटरी का अपघटन करते हो तो दो गैस निकलता है, एक गैस जो है दूसरे का दुगना होता है, वो कौन गैस है, तो जो दुगना होता है वो कौन है, हाइड्रोजन गैस। जो दुगना है वो कौन गैस है, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि जल में दो भाग कौन होता है, हाइड्रोजन, और एक भाग कौन होता है, ऑक्सीजन। जल में दो भाग हाइड्रोजन होता है जी, जल में कितने भाग हाइड्रोजन होते हैं, दो भाग, ऑक्सीजन कितने भाग, एक भाग। इसीलिए जल में क्या होता है, जल का जब विद्युत अपघटन करते हैं तो हाइड्रोजन दुगना बनता है, ऑक्सीजन सिंगल। आया कि नहीं आया, तो ये था आपका आज का वीडियो, ठीक है। इसके बाद और भी क्वेश्चन से पूछा जा सकता है जो हम सब आपको पहले बता चुके हैं, जैसे एक बार कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देखे हैं कि पूछता है कि लोहा को लोग पेंट क्यों करते हैं, तो हम सब छात्र जब पिछले पार्ट में बताए थे उसमें बता दिए थे, बताया था नहीं बताया था कि लोहा का पेंट क्यों करते हैं भाई, तो लोहा को या लोहा से बना हुआ सामान को पेंट इसलिए करते हैं ताकि उसका जंग जल्दी ना लगे, उसमें मतलब जंग जल्दी ना लगे, उसका संचारण ना हो और लंबे समय तक वो टिक पाए, है ना। आ रहा समझ में नहीं आ रहा, दूसरी बात ये पेंट करने से वो सुंदर भी लगता है, तो यहाँ पर मेन कारण सुंदर लगना नहीं है, मुख्य कारण क्या है, सुंदर लगना नहीं, मुख्य कारण क्या है, उसको बचाना, किस से, जंग से। तो लोहा को जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, पेंट करते हैं, लिख लोगे, अगर ये पूछा जाएगा सुनिए ध्यान से, अगर नहीं लिख पाओगे तो बोल रहे अभी, अभी आप लिखो, हम अभी बोल रहे हैं ना तो अभी लिखो। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोहा को पेंट क्यों करते हैं, तो आंसर लिखिएगा कि लोहा को जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। एक लाइन का आंसर ही हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। ये भी पूछा जाता है कि जो आलू चिप्स होता है या कुरकुरे होता है या और भी जो खाने वाला पैकेट वाला सामान होता है उसमें कौन सा गैस होता है, तो नाइट्रोजन गैस होता है। नाइट्रोजन गैस से क्यों होता है, नाइट्रोजन गैस से ही क्यों उसको प्रभावित क्यों किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस से प्रभावित इसलिए किया जाता है ताकि वो लंबे समय तक क्या हो, टिक पाए, है ना, जल्दी खराब ना हो, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, ऑक्सीजन गैस वहां से हटा दिया जाता है। ये भी हम आपको पहले के पार्ट में बता चुके हैं ना। एक ऐसे क्वेश्चन देखे हैं कि पूछता है कि मैग्नीशियम का जब रिबन होगा, हम जो जो बोल रहे हैं अभ्यास सुनिए और नहीं आप लिखियो तो अभी लिख लो। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम के रिबन को हवा में जलाने से साफ करना पड़ता है क्यों, मैग्नीशियम के रिबन को हवा में जलाने से साफ करना था क्यों, तो इसका आंसर ये है कि मैग्नीशियम जो है जब उसको हवा में छोड़ देते हैं, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने को क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसीलिए उसको जलाने से पहले क्या करना पड़ता है, स्टेरिस पत्र से या सैंड पेपर से उसको साफ करना होता है। आया, तो लीड हो गया कि मैग्नीशियम के रिबन को क्यों साफ किया जाता है, तो क्यों साफ किया जाता है, क्योंकि सर मैग्नीशियम क्या है, अभिक्रियाशील धातु है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जब इसको हवा में छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक क्या बना लेता है, परत बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जिसको जलाने से पहले क्या करना होता है, साफ करना जरूरी होता है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, स्टेरिस पत्र से या सैंड पेपर से उसको साफ कर लेते हैं। आया, तो इस तरह बहुत सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। लगभग जितना आपको बताया है 9 पार्ट में जितना बताया, अगर उतना आप सही से लिख लेते हो कॉपी में, उसको देख लेते हो, तो मेरा ये दावा, मेरा ये गारंटी है कि आप जिस पब्लिकेशन का बुक यूज करते हो, चाहे NCERT हो या केसीसी का, तो होता नहीं है, आलोक प्रकाशन हो या भारती भवन हो या और भी कोई बुक हो, जो भी बुक हो, जो भी पब्लिकेशन का बुक हो, आप उसको सॉल्व कर लोगे, ये मेरा दावा है। और नहीं विश्वास तो अभी आप सॉल्व करके देखो, 9 पार्ट मेरा लिखो कॉपी में और सॉल्व करके देखो कि कौन क्वेश्चन है जो हम आपको नहीं बताए,
अगर वैसा कोई क्वेश्चन है जो हम आपको नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक ना। आप कमेंट लिख करके लिख दीजिए, मतलब कमेंट में लिख दीजिए कि सर आप ये क्वेश्चन आप नहीं बता रहे, ठीक है। हम उसका भी वीडियो अलग से बना के क्या करेंगे, पब्लिक कर देंगे। आया तो अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन है जो छूट गया है हम नहीं बता रहे तो आप उसको कमेंट में डाल दीजिएगा, ठीक है। हमको तो विश्वास है पूरा आपको बता चुके हैं। अब मिलते हैं अगले पार्ट में इसी का लेसन नंबर टू लेकर। लेसन वन तो एक रासायनिक क्रिया और समीकरण, अब हम लोग लेसन टू पर गए जिसमें क्या है अम्ल क्षार, मतलब क्षार मतलब भस्म, अम्ल भस्म और लवण। ये हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। तो आज के नए मिलते हैं आपको, बस काम दे देते हैं कि आप नौ पार्ट को कॉपी में लिख लो, उसको समझ लो और अपने बुक का जो भी बुक यूज करते हो उसको सॉल्व कर लो। तो आज कितना है, इससे मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।